बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक। नमस्कार जी, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन पे ऐसा बयान दिया, ऐसा कहा, जिसके बाद अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसान आंदोलन समाप्त हो गया है। और आपको बता दें, किसान आंदोलन खत्म, पूरी तरीके से खत्म होने की चांसेस, पूरी तरीके से आप ये लोग जाएंगे, वापस लौटेंगे। और ये जो फर्जी किसान आंदोलन खड़ा हुआ है दिल्ली में, ये समाप्त हो जाएगा। और आप सरकार ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि हम 2024 तक ग्राउंड में टिके रहेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इनको जमातियों से तुलना कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमात तबलीगी जमात जैसे हालात न खड़े हो जाएं कोरोना की वजह से दिल्ली में, सरकार को कुछ एक्शन लेना चाहिए। सरकार एक्शन क्या लेगी, आप सबको अंदाजा लग सकता है इस बात से कि 7 दौर की बातचीत हो चुकी है, 6 दौर की, उसके बाद अब बात करने का कोई चांसेस नहीं दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये राकेश टिकैत अपनी बात पे अड़ गए हैं और इनका जिद है कि किसान आंदोलन वापस नहीं होगा, तो आपको बता दें सरकार अब इस पे कार्रवाई करेगी। इनको उसी तरीके से जैसे सीए और एनआरसी वाले लोगों को खेदा गया था मैदान से, उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा। और हटाने के लिए मंथन चल रहा है। जो सूत्रों से खबर आ रही है कि सरकार इन पे कड़ी कार्रवाई करने वाली, कड़ी कार्रवाई का मतलब ये है कि ये जो फर्जी किसान वहाँ पे जाके बैठे हैं और माहौल खराब कर रहे हैं वहाँ पे, कोरोना सबसे बड़ा संकट कोरोना का है, अभी लाखों लाख लोग संक्रमित होकर दिल्ली से जाएंगे पंजाब, और जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हर जगह कोरोना प्रचंड रूप से फैलेगा, उसका जिम्मेदार राकेश टिकैत और उनकी पूरी टीम, ऐसे लोग जो किसान आंदोलन को भड़का रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये होने वाले हैं। इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया और उन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा कि क्या तबलीगी जमात की तरह दिक्कत हो सकती है, उस पर सरकार को विचार करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट का सह मिल गया तो सरकार अब विचार करेगी और सरकार एक ही फैसला लेगी, उसके पास और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि बार बार बात करने के बावजूद कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। तीनों कानूनों को वापस कराने की मांग कर रहे हैं ये आंदोलनकारी। इस देश में हो क्या रहा है, देश में लोकतंत्र के द्वारा एक कानून बनाया जाता है, उस कानून को समर्थन मिल रहा है, देश के कई लोग या अधिकांश आबादी देश के समर्थन कर रहे हैं उस कानून का, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग जाके दिल्ली में जमा हो जाते हैं और सरकार को धमकी देते हैं कि सरकार बदल देंगे, सरकार गिरा देंगे या सरकार चलने नहीं देंगे, 2024 तक आंदोलन करेंगे। शायद नेता बनने का ख्वाब देखने वाले राकेश टिकैत इस बात को भूल गए हैं कि उनसे ये संसद नहीं चलता, इस संसद को चलाने के लिए इस देश की 130 करोड़ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार भेजी गई है। राकेश टिकैत को कोई मानता नहीं, नेता है कहां के नेता है, स्वघोषित नेता जो जाके बैठ गए हैं देश में कोरोना के इस माहौल में। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर आप लोकतंत्र में सबको मौका है, आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कराइए और साथ ही साथ समझौते के लिए तैयार होइए। समझौता करना है तो तीनों कानूनों पर समझौता करने के लिए 6 बार मंत्री गए, कृषि मंत्री गए, अमित शाह खुद संपर्क में है, पीयूष गोयल गए, राजनाथ सिंह संपर्क में है, इन सबके बावजूद राकेश टिकैत है क्या चीज, ये देश की जनता पूछ रही है कि आखिर राकेश टिकैत क्या है, राकेश टिकैत कौन सी चीज है जिसने परेशान कर रखा है सरकार को और साथ ही साथ इस देश को परेशान कर रखा है। अगर वहां पे लाखों लाख कोरोना के संक्रमण मिलते हैं तो राकेश टिकैत उसका इलाज कराएंगे। 500 किसानों की आत्महत्या हो चुकी है इनके कारण, ये माइंड वॉश करते हैं वहां पर बैठ के दिल्ली की सड़कों पर, और इनकी माइंड वॉश करने की वजह से, इनकी वजह से 500 किसानों की जान जा चुकी है। 40 अलग अलग 40 किसान संगठनों ने अपना समर्थन किया सरकार को समर्थन करने के बावजूद देश भर से लोगों के लेटर आए, चिट्ठियां आई, मैसेज आ रहे हैं, ट्वीट आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं, हर जगह हर तरफ समर्थन मिल रहा है सरकार को। सरकार डायरेक्ट सीधे लोगों से संवाद कर रही है, चौपाल पे बैठ रही है, नेता, सांसद, विधायक सब लोगों के बीच जा रहे हैं। इसी किसान आंदोलन पे प्रधानमंत्री खुद भरोसा दिला रहे हैं कि हम किसान आंदोलन में कहीं भी किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, MSP पे भरोसा दिलाने की बात कर रहे हैं।
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे किसान आंदोलनकारियों से और देश की जनता से बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी जमीन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं बल्कि अनाज की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। उसके अलावा आप सभी स्वतंत्र हैं, अपना अनाज जहां चाहें वहां बेचें। लेकिन राकेश टिकैत और इनके जैसे मुट्ठी भर नेता वहां पे बैठ के देश विरोधी संगठनों को वहां पे संरक्षण देते हैं, देश विरोधी बयान वहां पे जारी होते हैं, दिल्ली दंगाइयों को समर्थन दिया जाता है, नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी जाती है, पोस्टर्स लगते हैं सरजिल इमाम जैसे आतंकियों के, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोगों का समर्थन होता है, पंजाब को खालिस्तान बनाने की बात होती है। ये सारी चीजें किसान आंदोलन में बैठ के जो लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि किसान आंदोलनकारी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ढोंगी लोग हैं और ये किसानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। देश का किसान आंदोलन भी करता है, अनाज भी उगाता है, मेहनत खून पसीना इकट्ठा करके वो सबका पेट पालता है, लेकिन देश का किसान दोगला नहीं हो सकता है। और ये लोग दोगली हरकतें कर रहे हैं किसान आंदोलन में बैठकर। शुरुआत किसान आंदोलन की आप सबको बता होगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देते रहिए, कमेंट करते रहिए। शुरुआत में आप सबको पता होगा इन लोगों ने कहा था कि हम कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों में सुधार चाहते हैं और आंदोलन करना चाहते हैं, लेकिन 2-3 दफा के बाद ये राकेश टिकैत और इसके भाड़े के कुछ लोग, इन लोगों ने कहा कि हमें किसान आंदोलन पूरी तरीके से पूरा तीनों कृषि बिल वापस कराने की ये मांग कर रहे हैं। क्या ये फिर से देश को उसी ढर्रे पे ले जाना चाहते हैं जिस ढर्रे से 70 सालों से देश चलता आया है, 73 सालों से देश चलता आया है, उसी दिशा में फिर से ले जाना चाहते हैं? तो राकेश टिकैत बताएं कि किसानों की हालात आज क्यों इतने खराब हैं? अगर पुराने नियम कानून इतने सही थे तो राकेश टिकैत जवाब दे। और राकेश टिकैत होते कौन है? जनता ना तो उनसे जवाब चाहती है, विपक्ष से जनता को जवाब चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने समर्थन किया है और कांग्रेस पार्टी के कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, इन सब ने समर्थन किया है और इन सब से जवाब जनता मांगती है। आप भी जवाब मांगिए, वीडियो को शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए। जरूरी है ऐसे लोगों के खिलाफ लिखना जो लोग देश में शांति व्यवस्था को भंग करते हैं। आंदोलन सही दिशा में हो, आंदोलन का लक्ष्य सही हो, आंदोलन की बातें सही हो, आपके अड़ने की वजह सही हो तो समर्थन मिलता है। देश में तमाम आंदोलन हुए हैं, सफल हुए हैं, लेकिन जहां पे निजी स्वार्थ आ जाए, निजी स्वार्थ के लिए किया गया हर वह कार्य देश हित में नहीं होता है। कोई भी कार्य जो निजी स्वार्थ में किया जा रहा है वो देश हित में नहीं है। और आपको बता दें कि राकेश टिकैत जैसे लोग पंजाब में अपनी राजनीतिक करियर सेट करने में लगे हुए हैं और आप तो मंदिर जैसे बात पुजारियों को सबको उस आंदोलन में घसीटा जा रहा है। राकेश टिकैत बोलते हैं कि मंदिर पुजारी उनको खाने के लिए नहीं देते हैं, उनको चाय नहीं पिलाते हैं, उनको चंदा नहीं देते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ धर्म, क्षेत्र, निजी स्वार्थ, इन सब की राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी बातों से झुक जाए। ये लोकतंत्र की मंदिर, संसद भवन, राष्ट्रपति, सब कोई इनके सामने झुक जाएं, ऐसा ये चाहते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि इस देश की जनता इनका समर्थन करेगी। और देश की जनता जिसके साथ है उसी के साथ सरकार है, सरकार जनता से चलती है, राकेश टिकैत जैसे मुट्ठी भर लोगों से नहीं चलती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए। किसान आंदोलन समाप्त होगा, अब इनको यहां से भगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि यहां पे तबलीगी जमात जैसा माहौल न पनपने पाए और कोरोना न फैलने पाए, ये चीजें जो सामने आ रही। इसके अलावा दिल्ली में किसी को समस्या न हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोल दिया था। और तमाम चीजें जो भी आ रही हैं, सामने आ रही हैं, उन सब चीजों से साफ तौर पर पता चलता है अब मामला पूरी तरीके से समाप्त है। जुड़े रहिए ओनली न्यूज़ नेशन के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज़ ग्रुप की न्यूज़ मैगज़ीन द न्यूज़ ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह तक।